मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेडरूम के बाहर के पैसेज में कोई था। कौन है वहां? मैं खिड़की के पास झांकने गया, तभी एक काला साया मेरी नजर के सामने से निकला। डर के मारे मेरा लहू सर्द हो गया। लतिका को अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। मेरी बेहाल स्थिति, मेरा अजीब तरीके से उसे देखना और घर के दरवाजे का पासपोर्ट से लॉक होना, सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे। सोचते हुए लतिका का ध्यान किचन से लगे लिविंग रूम पे पड़ा। किचन का दरवाजा हल्का सा खुला था। लतिका को एक पल को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई हलचल हुई हो, जैसे वहां कोई खड़ा हो और उसे घूर रहा हो। लतिका के सारे शरीर में सेहरन पैदा हो गई। छोटे कदमों से चलती हुई वो बेआवाज किचन की तरफ आगे बढ़ी। लतिका का दिल तेजी से पसलियों पे चोट कर रहा था, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। थर्राती हुई उंगलियों से उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। किचन खाली था, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने देखा कि किचन में चार दरवाजे थे, जिसमें से एक यकीनन फार्म हाउस का बैक डोर था। लतिका भागकर उस दरवाजे के पास पहुंची और उसका डोर नॉब घुमाया, लेकिन ये दरवाजा भी लॉक था। उसका चेहरा उतर गया। किचन का साइड डोर स्टोर रूम तक जाता था, लेकिन वहां भी कोई खिड़की या बाहर जाने का दरवाजा नहीं था। लतिका हर तरफ से नाकामयाब हो रही थी। ये कैसी भूल भुलैया है। तभी उसकी नजर किचन में रखे एक बड़े से डीप फ्रीजर पे पड़ी। इतना बड़ा फ्रीजर, इसमें तो पूरे इंसान को मार के फिट किया जा सकता है। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर लतिका ने फ्रीजर का लीड खोला। फ्रीजर बियर क्रेट्स और पैक्ड फूड से भरा हुआ था। लतिका वहां से बाहर निकली। अब बस किचन का एक दरवाजा बचा था। लतिका किचन के दूसरे साइड डोर की तरफ बढ़ी। मैं एक एक करके नीचे के सभी कमरों में तलाशी कर रहा था। दोनों बेडरूम चेक करने के बाद मैं बरांडा के पैसेज की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले कि मैं पैसेज से बरांडा की ओर बढ़ता, मुझे पैसेज के दूसरे कोने पर किचन से कुछ हल्की आवाज सुनाई दी। मेरे जबड़े कस गए। मैं पैसेज से किचन से लगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने जोर से दरवाजे को खोल दिया और अपने सामने लतिका को खड़ा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक तीखी आवाज पे लतिका ने चौंक कर सामने देखा। मैं आग बबूला होके उसके सामने हाथ में टॉवल लिए खड़ा था। पानी, मुझे पानी चाहिए था। क्या ये लड़की वाकई सिर्फ पानी लेने आई थी या फिर कुछ ढूंढ रही है? शक्ल सूरत से तो कितनी भोली और मासूम दिखाई देती है। मत भूल वेद, लड़कियों का सबसे अचूक मारक हथियार उनकी मासूमियत ही होती है। क्या लतिका का इस तरह वेद के घर में आना महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश?